जिनके लघु सचिवालय में डार्विन ग्रुप ऑफ कंपनी ने सैनिटाइजर व पीपीई किट अधिकारियों, कर्मचारियों व मीडिया कर्मियों में बांटे। कंपनी के मैनेजर ने कहा कि देश में जागरूकता फैलाकर ही महामारी से बचा जा सकता है। जितने भी यहाँ ऑफिसेज हैं, जैसे एसडीएम साहब का ऑफिस है, एपीआरओ का ऑफिस है, उन सबके ऑफिसों के लिए हमने सैनिटाइजर दिए हैं और कुछ मास्क भी हम लोगों ने दिए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि महामारी के दौर पे हर रोज ये जो बीमारी है फैलती जा रही है, और हमारा और हमारी कंपनी का मानना ये है कि जितना ज़्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को सैनिटाइज करते रहेंगे, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कितने सैनिटाइजर हैं ये? यहाँ मैंने सर करीब 60 के आसपास सैनिटाइजर की बोतलें थी जो मैंने दी हैं, और डीपीआरओ साहब को बोला है अगर आगे भी उनको ज़रूरत महसूस होती है तो मेरे को कभी भी कॉल करें, मैं दोबारा फिर उनको सैनिटाइजर देने के लिए आ जाऊँ। मैं डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, मैं वहाँ नेशनल सेल्स हेड देखता हूँ, और हमारी कंपनी डिफरेंट सेक्टर में काम करती है। 27 अलग अलग वेंचर हैं कंपनी के जो जिसमें काम करती है, और फार्मास्यूटिकल भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा है, और फार्मास्यूटिकल के अकॉर्डिंग हम ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में पुलिस प्रशासन को और जो लोग समाज की सेवा के लिए तत्पर आगे आ रहे हैं उन लोगों की सेवा के लिए हम ये सैनिटाइजर, मास्क और पीपी किट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे भारत में। हम हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र, शुरुआत हमारी कंपनी ने महाराष्ट्र से की थी। महाराष्ट्र के हर डिपार्टमेंट के अंदर हमने सैनिटाइजर पहुँचाया है ताकि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहे। जब सिस्टम के लोग सुरक्षित रहेंगे तो ये देश भी सुरक्षित रहेगा। फिर हमने जो भी आदमी लोगों के संपर्क में आ रहा है, जैसे बार्बर यूनियन है, बार्बर का जो काम करता है, नाई समाज जो है, उसका सबसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आना रहता है, और वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकता क्योंकि उसका काम ऐसा होगा। तो हमने कुछ बार्बर्स को भी पीपी किट डोनेट की। ले लो, ले लो।